कुल सेतिया सिरसा से विधायक बनते हैं तो उनकी सबसे पहले जनता के लिए काम क्या होंगे, जनता के लिए वो क्या करना चाहेंगे। जो 40% आबादी धक्का बस्तियों में रहती है उनकी रजिस्ट्री करवाने का काम होगा ताकि उनकी ज़मीन और उनकी छत अपनी हो। उसके बाद जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं शहर में जिनकी कमी है उनको पूरा किया जाएगा और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर के लिए लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा पहली दफ़ा एक आवाज़ उठाई जाएगी जिस वार्ड में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जहां सरकार कुछ दे नहीं पा रही वहां से सरकार को कोई भी टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब तक वो पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे सकती, अच्छी गली नहीं दे सकती, अच्छे फुटपाथ नहीं दे सकती, अच्छी स्ट्रीट लाइट नहीं दे सकती। आज हालात ये हैं कि घरों में से भी लोगों की लाइटें लाइट की तार जा रही हैं। जब उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकती तो उससे उनको हाउस टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स और टैक्स वसूल नहीं करने चाहिए। पहले सब कुछ वहाँ उपलब्ध हो उसके बाद टैक्स वसूल करें, इस बात को हम सबसे पहले उठाएंगे। और जहाँ तक बात है गाँव की, गाँव का बराबर विकास होगा जैसे शहर का विकास होगा। और जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार सरकारी रोजगार सबको मिलना बहुत मुश्किल है, ना ही कोई दे सकता, झूठ बुलवाने का कोई जितना मर्जी बोलता रहे। उसके लिए रोजगार लोगों को खुद ढूंढने पड़ेंगे, परंतु जो आदमी रोजगार ढूंढता है आज महंगाई के ज़माने में उसके पास अपनी दुकान नहीं होती। अरोड़ा साहब की सोच थी जब उन्होंने ऑटो मार्केट बनाई, दो ढाई ढाई हज़ार रुपये में प्लॉट जो है लोगों को दिए थे कि वहाँ पर लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें, कोई बैटरी को कर सके, कोई ऑटो का कर सके। परंतु उस स्कीम को अरोड़ा साहब जाने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वहाँ विकास भी रोक दिया गया, वहाँ का विकास भी चालू कराएंगे। उसके साथ साथ कपड़ा मंडी, लोहा मंडी, गुड़ मंडी ऐसी मंडियाँ अलग से बनाई जाएगी सरसा में, और बहुत कम रेट पर, नॉमिनल प्राइस पर बेरोजगारों को वहाँ प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके। जैसे अरोड़ा साहब ने 2-2.5 हज़ार में प्लॉट दिया था, उसी हिसाब से 10-15 हज़ार में हर बेरोजगार को प्लॉट देने का काम करेंगे ताकि वो अपना काम चालू कर सके। हर आदमी के लिए अलग अलग सोच है। ये जो घोषणा पत्र है इसकी एक एक कॉपी अभी मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ, और अगर हमारी बात में सच्चाई लगी, 40 साल से हम सरसा की राजनीति कर रहे हैं और हमने कभी आज तक झूठ नहीं बोला। 5 बार विधायक बनने का मतलब ये होता है, लोगों को विश्वास होता है तभी लोग दूसरी बार बुलाते हैं। अरोड़ा साहब को 5 बार लोगों ने विधायक चुना। और जहाँ तक गोकुल की बात है, इसने तो विधायक बनने के बगैर ही लोगों को करके दिखाया है। और अब तो अभी लोगों ने ट्रेलर देखी है, इसको जिताने के बाद ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ ये विकास की पिक्चर सरसा को दिखाएगा।